छत्तीसगढ़ के रायपुर से भाजपा के सांसद बृजमोहन अग्रवाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। राजधानी में मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद अग्रवाल ने कई अहम बातें की। इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के कांवड़ यात्रा के रूट पर आने वाली तमाम दुकानों और ढाबों के मालिकों की असली पहचान उजागर करने के आदेश के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सांसद अग्रवाल ने योगी सरकार के आदेश के बारे में बात करते हुए कहा कि होटल रेस्टोरेंट में वेज और नॉन वेज का किचन अलग अलग होना चाहिए, खासतौर पर जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए, और कहीं वेज नॉन वेज दोनों मिलता हो तो स्पष्ट रूप से ये बात लिखी जानी चाहिए ताकि खाने वालों को इस बात की जानकारी हो। देखिए, जो सेंसिटिव एरिया हैं या लोगों का कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, तो किसी होटल में अगर नॉनवेज और वेज का एक ही किचन है तो अलग अलग होना चाहिए। अगर किसी ढाबे में किसी होटल में वेज नॉनवेज दोनों मिलता है तो स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। तो लोगों की जो मान्यताएं हैं या लोगों का अपना जो एक विश्वास है उसको तोड़ने का काम हम नहीं करें, क्योंकि जब हम अमेरिका में जाते हैं, जब हम इंग्लैंड में जाते हैं, जब हम जापान में जाते हैं, तो वहां पर लिखा होता है हिंदुस्तानी होटल, परंतु चलाने वाले होते हैं बांग्लादेशी और पाकिस्तानी।